प्रफुल्ल चंद्र राय भारत के एक महान रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक, सच्चे देशभक्त और समाज सुधारक भी थे। इन्होंने हिंदू रसायन का इतिहास नाम से एक किताब लिखी, जिसके कारण इन्हें दुनिया भर में जाना जाने लगा। जब वो 12 साल के थे तो बाकी के बच्चे राजा रानी और परियों की कहानी सुना करते थे, लेकिन इनको न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ने का बहुत शौक था। किताब पढ़ने का इतना शौक था कि जब वो 7 महीने तक बीमार थे, बिस्तर में पड़े हुए थे, तब भी उन्होंने किताब पढ़ना नहीं छोड़ा था। 1892 में मैं खुद की एक अंग्रेजी दवाई बनाने वाली एक कंपनी केमिकल्स की खोली। उनकी ये कंपनी एक बड़ी कंपनी बन गई और आज इसकी कीमत करोड़ों में है। प्रफुल्ल चंद्र राय ने अपना पूरा जीवन रसायन विज्ञान को समर्पित कर दिया और अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते थे कि उन्होंने शादी के बारे में भी नहीं सोचा। अपनी पूरी लाइफ नई नई खोज में इन्होंने निकाल दिया। भारत के रसायन विज्ञान को इन्होंने एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाया। इन्होंने एक और ही बहुत बढ़िया किताब हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री को लिखा, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा फेमस हो गए। इन्हें किताब और महान लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। इसके साथ ही इन्हें अपनी मातृभाषा हिंदी से काफ़ी प्यार था। जहाँ भी वो जाते, हिंदी की तारीफ किया करते। 16 जून 1944 को 83 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। इन्होंने हिंदू रसायन को पूरी दुनिया में एक दर्जा दिया। वो भले ही हमारी दुनिया में आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन अपने काम के कारण वो हमेशा अमर रहेंगे।